Good morning, class 11. And today I will just discuss again about the condition. Yani ki aaj main kaise baat karunga topic consumer equilibrium. In case of two commodities, यानी कि मैं आपसे फिर उसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि लास्ट लेसन में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा शायद आपको वो इतना क्लियर ना हो पाए क्योंकि कंफ्यूजिंग था. लेकिन आज एक एग्जांपल लेंगे. उस एग्जांपल के बाद देखिए जो मैंने आपको बताया, जिसको समझ में आ गया वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया आज क्लियर हो जाएगा, समझ लीजिएगा. अब हमें ये फाइंड आउट करना है जब एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जब इक्विलिब्रियम कंडीशन कई केसेस में है, यानी कई स्टेज में अगर फेस हो रहा हो. मान लीजिए कि कहीं पर 30 है एमिरेट्स, यहाँ भी 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, ठीक है. इट मीन्स जब एक से ज्यादा कंडीशन आ जाएगी इक्विलिब्रियम की, तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ठीक है. तो मैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी ले रहा हूं, यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी, ठीक है. कितनी है? 1 to 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. प्राइस हमें जो दिया गया है, मैंने आपसे पहले बताया था प्राइस हमेशा कॉन्स्टेंट होता है. PX = PY = 8 rupees. मार्क कितना? 8 rupees. ना इट्स 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16 and 8. MUI 40, 36, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0 and 0. हमें ये यहाँ पर गिवन है एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है कितने पॉइंट्स पर इक्विलिब्रियम कंडीशन आ रही है जब दो कमोडिटीज की बात हो. यानी हमें क्या गिवन है, हम सामने फिर से ध्यान देंगे एक बार. हमें यूनिट्स ऑफ कमोडिटी गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. MUX गिवन है 88, 72, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8. MUY 40, 36, 24, 20, 16, 12, 8, 4, 0 and 0. देखिए अब सिर्फ फोकस करिए MUX पर और MUY पर, और जित यूनिट्स ऑफ कमोडिटी में जहां पर है वो फोकस करना होगा और पॉइंट्स निकालने. देखिए 40 चेकआउट करिए, 40 दोनों में कॉमन है, यस कॉमन है, ये 40 कॉमन है, ये दिस, ये 40 यहां पर, यानी सामने नहीं आ रहा, ठीक है. हमारी कंडीशन क्या थी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ठीक है. ये हमारे क्या था, जब दो तरह की कॉम्बिनेटिव होती है उस कंडीशन, ठीक है. जब दो तरह की कंडीशन होती है और उस सिचुएशन में अगर आपको ये गिवन है MUX एंड MUY, इट मींस आपको वहां क्या फाइंड आउट करना है, आपको वहां फाइंड आउट करना है, और वो क्या चीज है, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY. इट मींस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बिल्कुल इक्विलिब्रियम है. कब इक्विलिब्रियम है? जब 6 यूनिट लेता है इसकी, ये 6 यूनिट ले रहा है और MUX की 6 यूनिट लेने पर ये सेटिस्फाई है. कब? साथ में MUY की जब भी 1 यूनिट ले रहा है, यानी 1 यूनिट किसकी ले रहा है, ये गुड y की, और 6 यूनिट ये ले रहा है किसकी, x की ले रहा है, तब इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल रही है. इट मींस MUX ने कितना हुआ कि 0.1 लिख लीजिए यहां पर, 0.1 क्या है MUX कितना है, MUX आपका 40 है एट यूनिट 6. इसी कंडीशन में क्या है,
ये पॉइंट वन पे ये कह रहा है, यहां पर पॉइंट वन लिखा और पॉइंट वन ये कहता है एम यू एक्स देख कितना है, एम एक्स 40 है, ये भी 40 है, लेकिन ये 40 कब है, एट 6 पर, एट यूनिट 6, यानी जब गुड एक्स की 6 यूनिट ले रहा है। सेम कंडीशन क्या है, एम यू वाई एट, अब एम यू वाई के बराबर है एक्स कहां पर है, एट यूनिट 1, पॉइंट वन हमें ये मिल गया, यानी कि इस कंडीशन में जब एक कंज्यूमर 6 यूनिट ऑफ गुड एक्स ले रहा है तब वो सेम इक्विलिब्रियम कंडीशन फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है गाइस जस्ट होल्ड अ सेकंड। यानी कि हमें पॉइंट वन मिला और पॉइंट वन क्या है, एम यू एक्स, हमें यहाँ एम यू एक्स मिल रहा है, क्यों हमें क्या मिल रहा है, यानी दोनों कंडीशन पे क्या है 40, समझिए ध्यान में, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट चेक करेंगे कि कहां पर इक्वल आ रहा है, देखिए दोनों में से कौन सी कंडीशन है जिसमें इक्वल है, ठीक है, और कंडीशन क्या बताता है, 24 को चेक करेंगे, बिल्कुल आ रहा है, ये रहा 24 इसमें भी है इसमें भी, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों को मैचिंग नंबर निकालना है, ठीक है, 24 इसमें 24 इसमें भी, ठीक है, यानी यहां पर भी इक्विलिब्रियम है, क्यों हमारे पास में क्या है कंडीशन, हमारे पास में एम एक्स अपॉन पी एक्स है, और अगर हम 24 करें तो 24 अपॉन 8 दोनों नेगेटिव है, 24 अपॉन 8 कितना हो गया, 8 4 जा 24 पॉइंट है, और कंडीशन कब है, ये तब मिल रहा है जब गुड कितनी यूनिट है, ये आपके सामने 8 यूनिट 8, और उसके अपोजिट में कितने जा रहा है 3, यानी एम यू आई एट यूनिट 3, जब एक कंज्यूमर गुड वाई की यानी मार्जिन यूटिलिटी यहां पर आ रही है, गुड वाई की 3 यूनिट कंज्यूम करता है तो उसको 24 यूटिल सेटिस्फेक्शन मिलता है, और उसी केस में जब वो 8 यूनिट गुड एक्स की लेता है तब भी उसे सेटिस्फेक्शन 24 यूटिल्स का मिलता है, और यही कंडीशन क्या है, कंडीशन यहां हमने आपके सामने भी मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, एम एक्स अपॉन पी एक्स 24 डिवाइड बाई 8, क्यों हमें क्या भी मिले, पी एक्स इक्वल टू पी वाई इक्वल टू 8 रूपीज, यानी कितना हो गया 24 डिवाइड बाई 8, यानी कि 3 इक्वल टू 3, यानी यह हमारा इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, जहां पर इक्वल होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट है हमारे पास में 16 मैच हो रहा है, ये देखिए 16 मैच हो रहा है 16, यानी अब 16 के लिए हमारा पॉइंट क्या निकल आएगा, पॉइंट 3 निकल के आएगा, और पॉइंट 3 क्या कहता है, पॉइंट 3 निकल के आता है जहां पर एम यू एक्स एट यूनिट कितने यूनिट पे है, एम यू एक्स ये देखिए सेकेंड वन 9 पे, यानी कि यूनिट 9, और एम यू वाई कितने का है एट 16, 1 2 3 4 5 यूनिट 5, यूनिट 5, और क्या है आपके सामने, दिस इज 16, और हमें गिवन क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3y इक्वल टू 8, अगर डिराइव करना हो निकालना चेक कर लीजिए क्या है फॉर्मूला, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई कितना है 16 डिवाइड बाय पी एक्स का 8 इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 8 2 इक्वल टू 2 आ रहा है, इक्वल टू यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्यों है ये इक्वल है, यानी इस फेस पर जब क्या करता है वो, यानी कि 9 यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करता है तो उसे 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिलता है यहां पर, और एम यू वाई यानी गुड वाई का जब वो 5 यूनिट वाई की 5 यूनिट वो कंज्यूम करता है तो उसे 16 यूटिल्स वहां सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इन तीनों पॉइंट में क्या कंडीशन है, इन तीनों पॉइंट में इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अगर अब यहां पर आपके सामने आ जाए कोई कंडीशन, और कंडीशन क्या होती है कि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, अगर क्वेश्चन रेज हो जाए इसमें टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ तो कैसे निकालेंगे, दैट्स वेरी इजी, देखिए खर्च की बात है हमारे पास में रुपीज भी है,
यही हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ अगर ये जो हमने तीन पॉइंट निकाले हैं, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, जब दो गुड को वो कंज्यूम करता है, गुड एक्स एंड गुड वाई। अब ये पूछा कि इस कंज्यूमर ने इक्विलिब्रियम कंडीशन को पाने के लिए कितनी मनी एक्सपेंड करी, कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्च किया, तो ये कैसे निकालेंगे वो इम्पोर्टेंट है। देखिए पॉइंट वन के रूप में यहाँ लिखिए, चलिए पॉइंट वन का देख लेते हैं, इट्स विजिबल टू यू? यस, आई थिंक सो विजिबल। देन पॉइंट वन पर अब हमें यूनिट निकालनी है, हमें क्या देनी है, एट रुपीज गिवन, ठीक है, एट रुपीज, यानी कि यूनिट सिक्स। अगर तो सिक्स बिस्किट खरीदे और एक आठ रुपए का, तो कितने का आएगा, यानी कि सिक्स इंटू एट रुपीज किसका हो गया, ये गुड एक्स का। ध्यान से समझिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि अब हमें क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है, खर्च निकालना है कि उसने सेटिस्फेक्शन लेवल को पाने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन को पाने के लिए टोटल कितना खर्च किया। इट मींस क्या हमें निकालना है, हमें यह निकालना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द पॉइंट बाय फाइंडिंग टोटल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द पॉइंट्स ऑफ सेटिस्फेक्शन और इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन के एक्सपेंडिचर निकालने के लिए गुड एक्स की कितनी यूनिट खर्च करी, पॉइंट वन पे ध्यान दीजिए बोर्ड पर ऊपर, पॉइंट वन एम यू एक्स एट यूनिट सिक्स, और गिवन कितना है प्राइस, एक्स और वाई दोनों का एट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एट से होगा। तो यानी कि अगर आप एक बिस्किट का पैकेट अगर आपका कितने का, आठ रुपए का है, अगर आप छह लेंगे तो कितने रुपए का हो जाएगा, सिक्स इंटू एट, चलिए प्लस। इसी सेम सेटिस्फेक्शन को पाने के लिए उसने वाई के कितने पैकेट खरीदे, एक पैकेट खरीदा, यानी कि वन इंटू एट, क्यों एट है, ये क्या है हमारा, ये हमारा गुड वाई है, ये हमारा गुड वाई है, हमने दोनों में एक से मल्टीप्लाई क्यों किया, बिकॉज इट्स अ गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट इज प्राइस ऑफ गुड एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ वाई, बोथ आर द इक्वल एंड द रेट इज एमआरपी इज एट रुपीज, यानी एट रुपीज है। तो कितना हो गया हमारे पास में, हमारे पास आया 48 प्लस 8, कितना हो गया 56 रुपीज। पॉइंट वन पर हमने एक कंज्यूमर ने पॉइंट वन पर 56 रुपए खर्च किए सेटिस्फेक्शन को, दोनों जब उसने गुड ऑफ वाई और एक्स को लिया, दोनों सेटिस्फेक्शन जब बराबर मिला तो उसने 56 रुपए खर्च किए। सेम अब क्या निकालेंगे, पॉइंट टू, पॉइंट टू, अब पॉइंट टू चेक कर लीजिए, देखिए ध्यान दीजिए पॉइंट टू पर क्या लिखा है, एम यू एक्स एट यूनिट एट, एट यूनिट एट, और एट का मतलब क्या हुआ, अगर एट का मतलब बात करें तो एट का मतलब क्या हो गया, एट का मतलब क्या हुआ, सेम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एट से मल्टीप्लाई करेंगे, एट से मल्टीप्लाई होगा नहीं होगा, सेम चीज वही रिपीट होगी, क्या रिपीट होगी, गुड एक्स यहां पर लिखा है, गुड वाई यहां पर लिखा है, सिक्स इंटू एट है, यूनिट एट है, एट मीन्स एट इंटू एट, बिल्कुल प्लस वाई का कितना कंज्यूम कर रहा है, चेक कर लीजिए थ्री, यानी थ्री इंटू एट कितना हो गया 64, 24 कितना हो गया 48 रुपीज, ये किसका आ गया पॉइंट टू पर। अब पॉइंट थ्री पर निकालेंगे, पॉइंट थ्री पर कितना आ रहा है, पॉइंट थ्री पर यानी कितनी यूनिट से है, एम यू एक्स एट यूनिट नाइन, यानी नाइन यूनिट कंज्यूम कर रहा है गुड एक्स की, यानी कि नाइन इंटू एट प्लस, और वाई से कितना है यूनिट फाइव, इट मीन्स फाइव इंटू एट कितना हो जाएगा 72 प्लस 14 कितना आ गया 2, 7 4 11 112 रुपए, यानी कि उसने जो खर्च किया है पॉइंट वन पर टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना था 56 रुपीज। पॉइंट वन पर टोटल जो खर्च का टोटल एक्सपेंडिचर एट पॉइंट वन इट इज इक्वल टू 56 रुपीज, एट पॉइंट टू हियर इज अ ही स्पेंड 88 रुपीज, एट पॉइंट थ्री ही स्पेंडिंग 112 रुपीज, यानी कि 112 रुपए उसने खर्च किए हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, अब एक्सपेंडिचर निकल आया हमारे पास में, अब हमें अगर मैं आपसे कह दूं यहां पर कि कंज्यूमर जो है उसकी इनकम, अगर आपसे क्वेश्चन इतना पूछा जाए
कि टोटल एक्सपेंडिचर उसने कितना खर्च किया, ठीक है। ठीक है, अब अगर बात की जाए उसकी जो इनकम है दैट इज 88 रुपीस। इनकम कितनी गिवन है 88 रुपीस, मैंने बढ़ा दिया इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए। अगर उसकी इनकम 88 रुपीस है, आप बताइए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होगा। हमने बात की थी इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए जो इनकम होती है वो कांस्टेंट होती है, ना वो घटेगी ना ही वो बढ़ेगी। 88 रुपए है तो 88, अब देखिए 112 रुपए है, ठीक है, तो 112 रुपए मतलब क्या हुआ, ज्यादा है, इतना खर्च नहीं कर सकता, तो 0.3 बिल्कुल भी यहां पर नहीं होगा, यानी 0.3 पर उसे इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगा क्योंकि वो उनकी उसकी इनकम से मैच नहीं होगा। 88 बिल्कुल बराबर है, यानी बिल्कुल 0.2 पर उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन को फाइंड आउट करेगा, इस कंडीशन को फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन अगर हमें इनकम के बराबर हो जाता है दैट्स फाइन, तो हम उसी को लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर इनकम उसकी कर दूंगा यहां पर 112 रुपए, अगर मैंने उसकी इनकम चेंज कर दी, मैंने 112 रुपए कर दी, यानी 0.3 पर क्या होगा, 0.3 पर वो सेटिस्फेक्शन लेवल को लेगा, क्योंकि ये इसका कंसेप्ट है कि उसकी इनकम, इंसान अपनी इनकम के मुताबिक ही अपने सेटिस्फेक्शन को गेन करता है। अगर आपसे क्वेश्चन में बात पूछ ली जाए इनकम दे दिया जाए तो, अगर आपको इनकम नहीं गिवन है और आपसे एक्सपेंडिचर पूछा जाएगा तो आप हमेशा पॉइंट वाइज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब मूव हम करते हैं, और नेक्स्ट मूव हमारा क्या है, जस्ट वेट अ सेकेंड बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने एक इक्विलिब्रियम का न्यूमेरिकल देखा। अगर आपसे इस कंडीशन में पूछा जाता है आपके पास एम यू एक्स गिवेन है और एम यू वाई गिवेन है, और अगर आपसे पूछा जाए कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बतानी है तो आपको पॉइंट्स निकालने हैं, अगर एक ही पॉइंट है तो उस पॉइंट को बस आप एक ही कंडीशन पॉइंट भी ना लिखिए, वहां आप सीधे लिख सकते हैं एम यू एक्स जिस पॉइंट पे से शो कर दीजिए, ठीक है, और इस सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कहीं आपको इनकम तो नहीं दी है, प्राइस जरूर गिवन होगा, ठीक है, प्राइस से आप सॉल्व करके दिखाएंगे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर एंड इट इज इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ठीक है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका इनडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नेक्स्ट चैप्टर। क्लियर होगा आपको इसे समझने से पहले आपको पहले चैप्टर के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्लीट इसमें क्या क्या गया। देखिए मैं आपसे फिर से रिपीटेशन कर रहा हूं, और मैं रिपीटेशन क्या कर रहा हूं आपसे, हमने दो तरह के कंसेप्ट पढ़े, दो मेजरमेंट पढ़े, और दो मेजरमेंट हमारे क्या थे, वो हमारे थे कार्डिनल मेजरमेंट, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूमिडिटी। सेम ये क्या था, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी हमने दो तरह पढ़ी थी। कार्डिनल का मतलब क्या था, मैंने बताया था यहाँ पर सबसे काउंट, जिसे काउंट किया जा सके, अब काउंट आप क्या कर सकते हैं, आप काउंट 1 2 3 4, इट मीन्स द मेजरमेंट दैट इज अ कैरी ऑफ अ डिजिट्स, इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, द यूजर कैन मेजर इन द नंबर्स एंड द यूनिट ऑफ दिस, और यूनिट क्या थी इसकी, द यूनिट ऑफ दिस मेजरमेंट इज यूटिल्स, क्या थी यूटिल्स में, जिसको यूनिट्स कहते हैं, जिसको यूटिल्स कहते हैं, यूनिट्स हम आजकल बोलते हैं उसे यूटिल्स कहा जाता है जब आप मेजरमेंट करते हैं कार्डिनल में। अब बात आती है इनडिफरेंस कर्व की, तो जो इनडिफरेंस कर्व होता है जिसे शॉर्ट फॉर्म में आईसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं, यानी कि इनडिफरेंस कर्व इज अ कर्व, इनडिफरेंस कर्व
इज अ दर दैट इज यूज टू मेजर द यूटिलिटी इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनल, जो ऑर्डिनल के फॉर्म में नापा जा सके, प्रेजेंट किया जा सके, उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व दैट शोज द यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर एट द वेरियस कंजम्पशन ऑफ वेरियस गुड्स थ्रू द ऑर्डिनल मेजरमेंट, यानी जो ऑर्डिनल मेजरमेंट के थ्रू नापा जा सके सेटिस्फेक्शन को, उसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व। इसे कई के बुक में ये आईसी क्या आएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे, दरअसल इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब क्या हुआ, अब इसके पहले चैप्टर में हमने आपने क्या पढ़ा, अभी आपके सामने बनाया था मैंने MUX, MUY, जहां पे मैंने आपके सामने 40 लिया, 60 लिया, बाकी डिजिट्स की, तो वो क्या थे, वे यूटिल्स थे, एक मेजरमेंट था। और किसी का मेजरमेंट था, वो सेटिस्फेक्शन मेजरमेंट था। क्या आप मेजरमेंट को इस तरीके से सेटिस्फेक्शन में आप उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लेकिन ऑर्डिनल मैंने आपको बताया था, और ऑर्डिनल में क्या था, हाई लो या फिल्मेंट, इसके नाम कैसे मेजर किए थे, हाई लो और मिड, ये मिड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इनके मुताबिक जो ऑर्डिनल में है इंडिफरेंशियल, ये डेरिवेशन कहता है कि यूटिलिटी को, सेटिस्फेक्शन को कभी भी 1, 2, 3, 4 यानी कार्डिनल में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उसे नंबर्स में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, वो हमेशा हाई लो के फॉर्म में बताया जा सकता है। क्या कहता है, हाई लो के फॉर्म में बताया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, अब इंडिफरेंस कर्व को पढ़ने से पहले हम कुछ इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और वो क्या बात करेंगे, ये समझ के ये क्लियर होगा बिल्कुल, यानी क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक वो कर्व है किसी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट करने के लिए हम ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी का यूज करते हैं, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। अब इसके लिए समझने से पहले इसके कुछ अजम्पशन है, कुछ कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल पॉइंट है, इसके वो समझने जरूरी है। हमने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट, क्या पढ़ा था हमने, रेशनल कंज्यूमर, वही आगे सबसे पहले पढ़ा रेशनल कंज्यूमर, यानी क्या था, रेशनल कंज्यूमर इज अ कंज्यूमर दैट कैन मेजर हिज यूटिलिटी एज पर कंजम्पशन ऑफ गुड्स, यानी कि ऐसे यूजर जो अपने सेटिस्फेक्शन को गुड के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजरमेंट कर सकते हो और रेगुलर कंज्यूम करते हो, ऐसे कंज्यूमर को हम क्या कहते हैं, रेशनल कंज्यूमर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखिए रेशनल का रेशियो क्या बना है, रेशियो क्या होता है, डिवाइडेशन में 1:5, यानी कि क्या है, 5 की जो सेटिस्फेक्शन है 1, लेकिन यहां पर क्या होगा, ये कार्डिनल नंबर को यूज नहीं करेगा, ये कार्डिनल नंबर को यूज नहीं करेगा, ये कहता है वन बुक को लेने पर मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट्स रेशियो, वन बुक को कंज्यूम करने पर मुझे हाई सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि क्या हो गया, हाई बाय 1, और यहाँ पे 2 भी हो सकता है और लो भी हो सकता है। सेकेंड वन आपके पास में क्या है, जो कंज्यूमर की इनकम है, जो कंज्यूमर की इनकम है वो चेंज नहीं होगी, यानी इनकम ऑलवेज ही कॉन्स्टेंट है, इनकम ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी जो चेंज ना हो सके, इनकम कैसी होगी, अगर आपको जो क्वेश्चन में जो गिवन है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, कंज्यूमर हमेशा क्या करेगा, सब्सटीट्यूशन गुड पर खर्च करेगा, इसके जो कंसेप्ट है, हमेशा स्पेंड द मनी, स्पेंड द मनी ऑलवेज ऑन सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन गुड्स, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, ऑरेंज एंड एप्पल, यानी मार्केट में आप जाएंगे तो हमेशा जिसमें स्पेंड होगी, जो कंज्यूमर अपने इनकम को खर्च करेगा वो हमेशा कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशनल गुड्स पर फोकस करके खर्च करेगा, जैसे कि ऑरेंज ले लिया, एप्पल ले लिया, ठीक है, टी ले ली या फिर कॉफी ले ली, दोनों पे खर्च, तभी हम इंडिफरेंस कर्व को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है।
और हमेशा क्या होता है, जो इसमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस होती है वो वेल डिफाइंड होती है। ठीक है, क्या होती है? वेल डिफाइंड। कंज्यूमर की प्रेफरेंस वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड ऑफ डिजायर ऑफ कंज्यूमर। अब इसको समझने की ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या हुआ? वेल डिफाइंड क्या चीज है? वेल डिफाइंड ऑफ डिजायर, यहां नहीं क्या होती है, वेल डिफाइंड डिजायर ऑफ कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के डिजायर है या फिर लीजिए वेल डिफाइंड डिजायर। वेल डिफाइंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ कंज्यूमर, इंटेंसिटी यानी खरीदने की प्रायिकता, सिक्योरिटी कहते हैं उसके फॉर्म में लिया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि जब भी वो किसी को खरीदेगा, यानी मान लीजिए मेरे पास में दो गुड़ है, एक एक्स है एक वाई है, मेरे पास में गुड़ है, अगर एक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, एक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, उसे इक्वल नहीं देगा। जेब में मेरे 50 रुपए है, देखिए ध्यान दीजिए मेरे पास 50 रुपीज है, कितने रुपीज है मेरे पास 50 रुपीज है, जिसमें से मैं 40 रुपीज की एप्पल ले लेता हूं और 10 रुपीज की ऑरेंज ले लेता हूं। अगर मैं अब अपना कंजम्पशन बढ़ाऊंगा, कंजम्पशन बढ़ाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, 20 रुपीज की तो ऑरेंज ले लूंगा, तो यहां घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी इनकम क्या है, मेरी इनकम कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती, तो मुझे वहां पर अगर मैं यहां पे पैसे बढ़ाऊंगा तो मुझे घटाने पड़ेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, यानी कि जो ऑरेंज का कंजम्पशन अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, एप्पल का घटेगा, यानी मुझे 20 रुपीज के कंजम्पशन स्पेंड करने पड़ेंगे एप्पल के लिए। ठीक है, यानी मैंने पहले 4 एप्पल लिए, ठीक है, कि मान लो अब अगर आप रुपये सुन रहे हैं तो क्या कहते हैं ये एप्पल की ऑरेंज, क्या कहा मैंने 50 रुपीज में मैंने 5 एप्पल लिए और 3 ऑरेंजेस लिए। ठीक है, अब मैंने ऑरेंज स्कोर कर दिए तो मुझे क्या करना है, एप्पल घटाना पड़ेगा मुझे, तो क्योंकि मेरी इनकम क्या है, मेरी इनकम यहाँ पर कॉन्स्टेंट है, जो चेंज नहीं हो सकती, वो मेरी 50 रुपए ही रहेगी जो मुझे गिवन है, ये कंडीशन यहाँ पे आपको दी गई है। ठीक है, और एक अगली सबसे बड़ी बात है, और वो क्या है कि जितने ज्यादा गुड्स होंगे वो उतने मोर ऑफ गुड गिवन द मोर सेटिस्फेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज मोर ऑफ गुड गिवन मोर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, यानी इन डिफरेंस के अंदर जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो ये कहता है कि जितना ज्यादा गुड्स उसके पास में होगा उसे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे इंडिफरेंस कर्व जो हमें शो किया जाएगा, हम उसकी बात करेंगे अब यहां पर। ठीक है, चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। मैंने यहां टेबल बनाई, मैंने क्या मेंशन किया, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से परेशान मत होना, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि किस फेज पर, यानी मैं इसको कोई भी नाम दे दूंगा, ABCD XYZ X1 X2 नाम कुछ भी हो, इस फेज पर जो पॉइंट वन हमने भी पहले डिस्कस किया है, इस फेज पर आपने कितने एप्पल लिए और कितने ऑरेंजेस लिए, तो मैंने इसको आपके बुक में नहीं लिया, हम क्या लिया है ABCD और आपका सबको चाहिए 1, 2, 3, 4 ऑरेंजेस आर देन 7, 5 एंड 4 ये आपको गिवन है। और ये क्या कहा गया है आपको, यहाँ पे गुड ए आपके लिए एक एप्पल दिया है और एक आपको ऑरेंजेस दिए गए हैं। ठीक है, अभी ध्यान बात रखिएगा, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है, और वो ये चीज है कि सभी पर क्या चीज है, इनकम आपकी फिक्स, क्या है इनकम जो है आपकी वो कॉन्स्टेंट, इनकम क्या है कॉन्स्टेंट, जितनी क्वेश्चन में होगी
वो आप मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपीज, मैं मान भी लेता हूँ 100 रुपीज है, ये मुझे फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता। दूसरा सेटिस्फेक्शन लेवल की कॉम्बिनेशन है, यानी कि ए पॉइंट पर उसने क्या किया, एक बार में जहाँ पे उसे मैंने ए नाम दिया है वहां पर उसने ए ला कर लिया है और 10 ऑरेंजेस लिए, कितने विद इन 100 रुपीज, क्योंकि इनकम सेम है उसने लिया उसने। अब क्या अगर उसे एप्पल बढ़ाना है तो उसे ऑरेंजेस घटाने पड़ेंगे। जॉब सेलर बोलता वेल डिफाइंड इंटेंसिटी ऑफ डिजायर ऑफ कंजम्पशन, ठीक है जो आप पॉइंट आप पढ़ चुके हैं। थर्ड वन देखिए सी फेज पे आता है तो वहां पे 3 एप्पल होते हैं, 3 ऑरेंजेस होते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है आपका, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पॉइंट ए पर है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, यानी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट ए इज ऑलवेज बीन इक्वल टू द ऑल द लेवल्स ऑफ सेटिस्फेक्शन एट पॉइंट बी, सी एंड डी, यानी सभी पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो बिल्कुल इक्वल यहां पर होगा। ठीक है आप क्या करेंगे एक तरफ यहां फिगर बनाएंगे, इट्स विजिबल टू यू, यस जैसा आपको क्लियर। अब देखिए मुझे मैक्सिमम फाइंड किया है आपको, ठीक है यानी मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक बना दूंगा, मुझे कितना 10 है तो यानी यहां पर बना दूंगा इसके 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12 बना सकता हूं इसे, मैंने बना। अब देखिए क्या होता है फेस ए पर, ए फेस बनाने से पहले ए फेस पे क्या है 1 एप्पल है, यानी क्या है 1 एप्पल है ए फेस पर, और कितने ऑरेंजेस हैं 10 ऑरेंजेस हैं फेस ए पर, यानी कि मैं इसको लगभग इस तरह से मैं बना सकता हूं कैसे। सेकेंड वन मेरा क्या है 2 एप्पल्स हैं और कितने 7, यानी 8 7, यानी कि 2 एप्पल्स हैं, सॉरी 2 एप्पल्स हो गए और 7 कितने हो गए ऑरेंजेस। नेक्स्ट फेस 3 पर कितना है 5 ए बन गया, और फिर क्या है 4 पर 4, यानी 4 पर 4 ये मुझे पॉइंट्स दिए हैं पॉइंट के, ये क्या है ना दैट्स अ ए पॉइंट, दैट्स बी पॉइंट, दैट्स सी पॉइंट एंड दैट इज पॉइंट डी। अब ए पे क्या है कितने हैं 1 और एप्पल है और ऑरेंजेस कितने 10, कैसे मेंशन किया जा सकता है। बी पर कितने 2 7, यहां पर 3.5 और यहां पर 4.4, इट्स अ क्लियर। अब यहां पे देखिए अब हम कर्व की बात की गई, ये क्या लिखा है दैट्स अ कर्व, यानी लाइन ही नहीं होगी कर्व फॉर्म में आएगा, क्या है इनडिफरेंस कर्व है जो आपको ये शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है इस फिगर को समझिए, फिगर बनाते कैसे हैं ये समझना बहुत जरूरी है, आज इसे अपनी कॉपी में आप बनाएंगे समझेंगे, फिर मैं कल आपको इसकी प्रॉपर्टीज इसी फिगर के थ्रू कल के एग्जाम्पल इसी फिगर के थ्रू हम समझेंगे। इसमें कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, एक का कंजम्पशन बढ़ेगा तो दूसरे का हमेशा घटेगा, इसमें आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस सो सी यू टुमारो, थैंक यू।